हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आईक्यू। एग्जाम आईक्यू इस वीडियो में देखते हैं जेएसएससी प्रीवियस ईयर सवाल। तो जेएसएससी प्रीवियस ईयर सवाल के अंतर्गत आज देखेंगे झारखंड दारोगा सेट 20 में झारखंड जीके सेक्शन से पूछे गए सवाल, जो जेएसएससी के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं सेट 20 झारखंड जीके। 20वां सेट का पहला सवाल है, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड में किस वर्ष भारतीय आम चुनाव का नेतृत्व किया था? इंडियन जनरल असेंबली का नेतृत्व किस वर्ष किया था झारखंड में? 2008 में, 2007 में, 2009 में, 2014 में। तो सही आंसर है 2009 में। और रघुवर दास से 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं और रिमाइंड कर लीजिए। तो रघुवर दास झारखंड के किस नंबर के मुख्यमंत्री हैं? 10वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। और रघुवर दास झारखंड के पहले और एकमात्र गैर आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। और रघुवर दास झारखंड के मुख्यमंत्री कब बने थे, 10वें मुख्यमंत्री कब बने थे? 28 दिसंबर 2014 को। अब दूसरा सवाल देख लेते हैं, 2009 इसका सही आंसर है। झारखंड जो है भारतीय संघ का किस नंबर का राज्य है? 28वां 27वां 29वां 26वां। तो झारखंड जब निर्मित हुआ उस समय झारखंड जो था भारतीय संघ का 28वां राज्य था। किस नंबर का? 28वां। लेकिन हाल ही के दिनों में जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा से वापस ले लिया गया है। तो जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस लेके इसे 2 भागों में तोड़ के और केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो अभी वर्तमान समय में देखा जाए नंबर वाइज राज्यों की संख्या में तो 27वां नंबर पे आ जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य अभी फिलहाल एक राज्य नहीं रहा, एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो इसलिए 27वां भी हो सकता है वर्तमान के समय में, लेकिन उस समय 28वां था। अगला है, पार्श्वनाथ पहाड़ी किस पठार का हिस्सा है? आपका सवाल क्या है, पार्श्वनाथ की पहाड़ी किस पठार का हिस्सा है? गिरिडीह, गुमला, सिमडेगा, पाकुड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पार्श्वनाथ का पठार जो है गिरिडीह पठार का हिस्सा है। बहुत से बुक में आपको गिरिडीह पठार ना देके क्या मिलेगा, निचला हजारीबाग का पठार, तो वो भी सही हो जाएगा। जोर है नहीं, गिरिडीह पठार या तो निचला हजारीबाग का पठार में पार्श्वनाथ पहाड़ी स्थित है। और पार्श्वनाथ पहाड़ी से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं, क्या क्या पूछे जाते हैं कुछ रिवाइज कर लेते हैं। पार्श्वनाथ पहाड़ी जो है झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची पहाड़ी है। तो झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? पार्श्वनाथ की पहाड़ी। और झारखंड की किस जिले में है? गिरिडीह जिले में। और पार्श्वनाथ पहाड़ी किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। एक जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसकी ऊंचाई जेएसएससी में काफ़ी बार पूछा गया है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 4480 फीट लगभग जो है, लगभग 79 आता है लेकिन 80 माना गया है। इसके बाद मीटर में कितना है? 1365 मीटर। इसे किस नाम से जाना जाता है? शिखर जी या तो संवेद शिखर, शिखर जी या संवेद शिखर, पार्श्वनाथ पहाड़ी को ही कहा जाता है। और सारे जितना सवाल यहाँ बताएं सारे सवाल जेएसएससी में पूछा जा चुका है। अगला देखते हैं, हाल ही में भारत के किस राज्य की सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की है? तो जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा किसने की थी? झारखंड ने। और ऐसा करने वाला झारखंड भारत का दूसरा राज्य बना है जिन्होंने घोषणा की है कि वे जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देंगे। और भारत का पहला राज्य कौन है जिन्होंने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की है? तो बिहार है। तो झारखंड इसका सही आंसर है। 5वां सवाल देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में कितना प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जाति का है? तो एससी वर्ग का कितना है, आपको कमेंट करके बताना है इसका। अनुसूचित जाति का कितना है, एसटी वर्ग का नहीं पूछे, एससी वर्ग का कितना है? ऑप्शन यहां गलत दिया हुआ है, इसलिए एससी वर्ग का आपको कमेंट करके बताना है। अगला है, 6ठा क्या है, डाल्टनगंज के किस शहर में, डाल्टनगंज झारखंड के किस शहर में स्थित है, किस जिले में स्थित है, जिला पूछा है। तो डाल्टनगंज किस जिले में है? पलामू जिले में। और डाल्टनगंज शहर जो है किसके नाम पर रखा गया है? रिचर्ड कर्नल डाल्टन के नाम पर रखा गया है। तो रिचर्ड कर्नल डाल्टन के नाम पर ही डाल्टनगंज का नाम रखा गया है जो पलामू जिले में है। सर इनमें देखते हैं अगला क्या है, इनमें से कौन सा शहर सरायकेला खरसावां जिले का जिला मुख्यालय है? तो सरायकेला खरसावां जिले का जिला मुख्यालय कौन सा है? सरायकेला
खेराई सरायकेला, तो इसका सही आंसर होगा सरायकेला। और सरायकेला खरसावां किस वर्ष एक नया जिला बना है, तो ये नया जिला जो है 2001 में बना है, झारखंड राज्य निर्माण के बाद 2001 में। आठवां सवाल देखते हैं, खरवार आंदोलन के साथ कौन जुड़ा हुआ था, तो खरवार आंदोलन के साथ कौन जुड़ा हुआ था, तिलका मांझी, भागीरथ मांझी, सिद्धू कान्हू, बाबा राम नारायण सिंह, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भागीरथ मांझी। और खरवार विद्रोह हुआ कब था, अगर पूछा जाए कब हुआ था, 1874 में हुआ था। और झारखंड के किस क्षेत्र में हुआ था, अगर क्षेत्र की बात करें तो झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में मुख्य रूप से खरवार विद्रोह हुआ था। और खरवार विद्रोह के नायक जो है भागीरथ मांझी, उन्हें संथालों के बीच बाबा जी के नाम से जाना जाता है। और तिलका मांझी का संबंध किस विद्रोह से है, तिलका विद्रोह से है, तिलका विद्रोह से है तिलका मांझी का संबंध। और बाबा राम नारायण सिंह का संबंध, बाबू राम नारायण सिंह का संबंध किस विद्रोह से है, स्वतंत्रता संघर्ष से है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम क्या है, स्वराज लूट गया, स्वराज लूट गया किसकी रचना है, बाबू राम नारायण सिंह की। नवा देखते हैं, मिलान करना है, अर्जुन अवार्ड किसको दिया जाता है, तो अर्जुन अवार्ड जो है खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, एक का फोर हो जाएगा, अर्जुन अवार्ड खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद है पद्मश्री, तो पद्मश्री किस में दिया जाता है, किसी भी क्षेत्र में दिया जा सकता है पद्मश्री। इसके बाद है अशोक चक्र, अशोक चक्र जो है एक सैन्य सम्मान है, गैलेंट्री अवार्ड है, दूसरा इसका सही हो जाएगा। इसके बाद है बाल साहित्य पुरस्कार, जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, लिटरेचर के क्षेत्र में, तीन, तो ऐसा इसका मिलान होगा। दसवां देखते हैं, किस वर्ष में पंख योजना शुरू की गई थी, तो पंख योजना की शुरुआत कब हुई थी, 2016 में, कब 2016 में। ग्यारहवां देखते हैं, जलमणि कार्यक्रम का प्रारंभ क्या के लिए किया गया है, तो जलमणि कार्यक्रम का प्रारंभ जो है क्या के लिए किया गया है, स्कूलों और आंगनबाड़ी को स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करने के लिए जलमणि कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बारहवां देखते हैं, PMFBY का पूरा नाम क्या है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो जाएगा PMFBY, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तेरहवां देखते हैं, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, तो स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है 20 हो सकती है, कितनी, 20 हो सकती है, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चौदहवां देखते हैं, NPA एक बहुत ही सामान्य शब्द है जिसका उपयोग बैंकिंग उद्योग द्वारा इन दिनों किया जाता है, NPA का पूरा नाम क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, तो कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा, पहला गैर परफॉर्मिंग एसेट या नॉन परफॉर्मिंग एसेट, पहला ऑप्शन सही है। पंद्रहवा सवाल देख लेते हैं, आउटडेटेड सवाल है, स्किप कीजिए इसको। सोलहवा देखते हैं, झारखंड विधानसभा के वर्तमान स्पीकर कौन है, एक कमेंट करके आपको जवाब देना है इसका, वर्तमान स्पीकर कौन है इसका, जो किस दल से संबंधित है, झारखंड मुक्ति मोर्चा से संबंधित है, आपको कमेंट करके इसका आंसर देना है। अगला है, झारखंड पंचायती राज अधिनियम कब अस्तित्व में आया था, तो झारखंड पंचायती राज अधिनियम जो है सन 2001 में अस्तित्व में आया था, तो दूसरा ऑप्शन सही है। और झारखंड पंचायती राज अधिनियम के अनुसार वर्तमान समय में झारखंड में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कितनी है, महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था 50% है, ये भी महत्वपूर्ण सवाल बनता है और JSSC ने यह सवाल पूछा भी था। अगला है, झारखंड के किस विभाग में गढ़वा और लातेहार जिले आते हैं, किस परमंडल के अंतर्गत आते हैं, पलामू परमंडल के अंतर्गत आते हैं। और झारखंड में टोटल परमंडलों की संख्या कितनी है, 5 परमंडल। और नव निर्मित परमंडल का नाम क्या है, सबसे लेटेस्ट परमंडल कौन सा हो जाएगा, कोल्हान परमंडल, लेकिन गढ़वा और लातेहार जो है पलामू परमंडल के अंतर्गत आते हैं। अगला देखते हैं, झारखंड में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ पर स्थित है, जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान जो है झारखंड में किस जिले में है, धनबाद में, जमशेदपुर में, रांची में, बोकारो स्टील सिटी में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोकारो स्टील सिटी में, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। बीसवां सवाल देखते हैं, अस्थिर लागत में इनमें किसको शामिल नहीं किया जाता है, अस्थिर लागत में किसको शामिल नहीं किया जाता है, कच्चा माल, श्रम लागत, मशीनरी ऑयल, किराया, तो किराया को अस्थिर लागत में शामिल नहीं किया जाता है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इक्कीसवां देखते हैं, माइकल जॉन सभागर
किस शहर में स्थित है? तो माइकल जॉन सभागार जो है जमशेदपुर में स्थित है। कहाँ पे? जमशेदपुर, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 22वां सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर झरनों का शहर भी कहा जाता है? तो झारखंड में झरनों का शहर किसको कहा जाता है? रांची को। झरनों और जलप्रपातों का शहर किसे? रांची को कहा जाता है। 23वां सवाल देखते हैं, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस किस शहर में स्थित है? रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रांची में स्थित है जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस। 24वां सवाल देखते हैं, मंडा पर्व किस भगवान के लिए पूज किया जाता है? तो मंडा पर्व का संबंध किस भगवान से है? महादेव, या तो क्या दिया रहेगा? भगवान शिव। अगला देखते हैं, 25वां क्या है, झारखंड की सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली जनजातीय भाषा कौन सी है? जो झारखंड में जितनी भाषा है इनमें सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली जनजातीय भाषा क्या है? संथाली। और झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति क्या है? तो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति जो है संथाली, झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। और संथालों की लिपि क्या है? लिपि की बात करें तो क्या हो जाएगा? ओल चिकी लिपि। और ओल चिकी लिपि के आविष्कारक कौन है? रघुनाथ मुर्मू। 26वां सवाल देखते हैं, बिहार के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान ने पलामू के पराक्रमी शासक प्रताप राय के विरुद्ध पलामू किले पर किस वर्ष आक्रमण और संधि किया था? किस वर्ष आक्रमण किया था? 1641-42 में, और संधि भी हुआ था। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 27वां सवाल देख लेते हैं, किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 में एक नए प्रांतीय दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन किया गया? तो दक्षिण साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी, इसका गठन कब किया गया था? 1833 में। किस विद्रोह के बाद? कोल विद्रोह के बाद। तो सही आंसर है कोल विद्रोह। 28वां सवाल देखते हैं, बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति जनजातीय विद्यार्थियों को किस कार्य के लिए प्रदान किया जाता है? तो मेडिकल और इंजीनियरिंग के पढ़ाई के लिए प्रदान किया जाता है। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 29वां सवाल देखते हैं, रांची जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो रांची जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 7698। और रांची किस वर्ष एक नया जिला बना? 1899 में। और 1899 में ही हजारीबाग में स्थित संत कोलंबस कॉलेज की स्थापना हुई थी। 30वां देखते हैं, किस स्थान को संथालों के पिता के नाम पर रखा गया है? तो कौन से स्थान जो है झारखंड में जिसको संथालों के पिता के नाम पर रखा गया है? लुंगूबाड़ी, घंटाबाड़ी। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, लुंगूबाड़ी, घंटाबाड़ी। तो ये थे झारखंड दारोगा सेट 20 में झारखंड जीके से पूछे गए सवाल, जो JSSC के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू कर, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पुराने वीडियो देखते रहिए।